ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए संसार को शिव जी चला रहे हैं। तो अब शिव आरती कर लेता हूँ। एक लाइन का कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने मौसम बदल दिया। मैं अब खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तो अपना आशीर्वाद वचन देके कार्यक्रम का शुरुआत कर दें। तब तक प्रसाद साहब जब आ जाएंगे तो उनकी भी शुरू करवा देंगे, तो खान साहब भी शुरू करवा दें। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सॉरी खान साहब। हाँ, जी मैं इसी बीच में आ जाएंगे तो उनको स्वतः अपने आप दे दीजिएगा, मैं बंद हो बिल्कुल दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े हर्ष से और बड़ी अच्छी प्रार्थना हुई। एक ऐसे युवा को हम लोग सुन रहे हैं जिन्होंने इतिहास के एक खंड को लिया है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और आग्रह मैं करूंगा कि प्रोफेसर हर्षवर्धन जी को सुनते हुए हम लोग ये भी समझने की कोशिश करें। मैं किसी तरह से अपने आग्रह से कर रहा हूं कि तथा कथित भारत में बहुत सारे स्वतंत्र विचार के लोग थे, लेकिन स्वतंत्र भारत में बहुत सारे परतंत्र विचार के हो गए। तो स्वतंत्रता उन्मुक्तता है और ये हमें चाहिए, जो कहा गया कि ये जन्मसिद्ध अधिकार इतिहास के को स्मरण करना, उससे सीखना भविष्य के निर्माण के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसीलिए जब प्रोफेसर हर्ष ने ये कहा कि वो अपने विषय पर बोलते रहे हैं लेकिन वो हट करके बोलना चाहेंगे, और मैं इसमें एक नया आयाम देना चाहूंगा कि हर विद्वान व्यक्ति अपने विषय को छोड़ करके जो इस राह में है, जब दूसरे विषय को पढ़ने लगते हैं तो उनकी रचनात्मक क्षमता, उनका क्रिएटिव पावर जो है वो बढ़ने लगता है। इनफैक्ट इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए ये सुझाव दिया जाता है कि जिस विद्वान ने उस विषय को कभी नहीं पढ़ा है वो उससे पढ़वाइए और तब वो अपने क्षेत्र में और बहुत कुछ कर पाएगा। आप सभी विद्वानों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। अब हम लोग सीधे हर्ष जी की तरफ चलें। अमिताभ जी तो वो बेहतर है। मैं स्वागत बिल्कुल आप सबों का कि बड़ा ही कुछ वो बातें उभर करके आएंगी जो यंग माइंड, यंग साइंटिफिक माइंड। हर्ष साहब अब आप शुरू करें, हमारे दूसरे गार्जियन ने आपको परमिशन दे दिया। हर्ष साहब हम लोग शुरू किया जाए। आप हर्ष साहब और भी लोग आएंगे, बहुत से लोगों को खबर किया हमने। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड मेंबर्स, जूनियर्स एंड अदर्स, वेलकम टुवर्ड्स अ ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री। So, without further ado, let's get started. See, शुरू करने के पहले मैं ये बोलूंगा कि जो भी मेरा लेक्चर रहेगा bilingual रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। After I'm finished, I'll give you a questionnaire. आप वहाँ पे कोई भी question related to the topic मेरे से पूछ सकते हैं। I have the grasp and ability, I can answer you. अगर मेरे पास उसका answer हुआ तो। Again,
प्रोसीडिंग्स क्या होंगी? सबसे पहले वी विल लुक इनटू एमर्जेंस ऑफ गांधी, देन वी विल सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन, देन वी विल सी मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1922 टू 28, देन वी विल सी स्ट्रगल फॉर स्वराज इन थ्री पार्ट्स, एंड इवेंचुअली वी विल सी 1935 टू इंडिपेंडेंस. नाउ प्लीज क्लियर द ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. Is my screen visible? Yes. Yeah, it's visible. Yes, sir. Okay, this is the PPT. Actually, problem ये हो रहा था कि जो मेरा PPT था वो corrupt हो चुका है. So I'm presenting in the format of PDF. So I hope it would be better. Yes, good. PDF, I think better than the PPTs. Okay, thank you, sir. Now, सबसे पहले emergence of Gandhi. एक background set करते हैं. प्रसाद साहब, हाँ, हर्ष जी, प्रसाद साहब आ गए. प्रसाद साहब का स्वागत है. थोड़ा लेट, हाँ, एक मिनट खाली, सर अपना आशीर्वाद दे दीजिए. अभी हमने खान साहब से तो करवा दिया, लेकिन प्रसाद साहब आ गए तो उनकी भी एक आशीर्वाद वचन हो जाना चाहिए. प्रसाद साहब, सर, सर का म्यूट है, माइक म्यूट है. हाँ, माइक अनम्यूट कर लीजिए. और डॉक्टर एसएम भट्ट भी आ गए, उन्होंने प्रसाद साहब को दवा भी भेजा है, शायद उससे उनको फायदा भी है. भट्ट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ, अब आपका आवाज आ गया तो ये हर कुछ आप ज्वाइन शुरू कर लिए. हाँ, बहुत ही प्रिय व्यक्ति हैं और हम लोग उनका उनके उनके वक्तव्य के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं और वो अपना अपना मोमेंटम लूज नहीं करें, चालू रखें. ठीक है, शुरू कर दीजिए हर्ष साहब. चंद्रभूषण कुमार सिन्हा भी ज्वाइन किए, उनका भी स्वागत है. हमने बहुत लोगों को खबर किया है, देखे कितने लोग आते हैं. तो हर्ष साहब आप शुरू हो जाएं. जी सर, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन. या जी, इज इट विजिबल? हाँ, या विजिबल. ओके, थैंक यू सर. यस सर, विजिबल. ओके सर, गांधी जी का अभ्युदय, एमर्जेंस ऑफ गांधी. सबसे पहले ये देखेंगे कि गांधी जी की शुरुआत कैसे हुई. Actually, Gandhi ji was a very shrewd politician and very cunning and very, not in the bad sense, and very intelligent person. Some factual data are there. Gandhi ji was born on 2nd October 1869 at Porbandar. ये सब factual data है. मैं आपको PDF दे दूंगा. जो main चीजें हैं, सबसे पहले early experience of Gandhi ji in South Africa. गांधी जी रीच साउथ अफ्रीका इन 1891. यहाँ पर एक मिस्टेक है, ऐसे नॉर्मली ये मिस्टेक होता नहीं है मेरे से. इट्स 1891. उन्होंने तीन चीजें देखी. सबसे पहला फैक्टर था इंडेंचर्ड इंडियन लेबर. यस, सबसे पहला था इंडेंचर्ड इंडियन लेबर. सेकंड वाज द मर्चेंट. थर्ड वॉज द एक्स इंडेंचर्ड लेबर्स. होता क्या था इंडेंचर्ड लेबर्स में, कई दफा लोगों को पैसों की जरूरत होती थी और उस समय उतने पैसे होते नहीं थे उनके पास, तो क्या करते थे, साहूकार के पास जाते थे. वहां जाकर के कहते थे कि भैया आप हमें इतना पैसा दे दो, हम आपके बदले में काम करेंगे. बदले में साहूकार क्या कहता था कि तुम पैसा चुकाओ या ना, बदले में तुम मेरे लिए काम करो. और उसके लिए वो उसको विदेशों में भेजा करता था, जैसे कि कैरेबियन आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ये सारे जो है. देयर इज, आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मेंबर टू प्लीज टर्न ऑफ द माइक, इट्स क्रिएटिंग एको. माइक बंद कर दीजिए प्लीज, अगर हो पाए तो. ओके, ठीक है. ये सारी चीजें थी. राइट टू वोट नहीं था इन लोगों के पास.
सिर्फ प्रिस्क्राइब लोकेशंस में ये लोग रह सकते थे जिसको गेटोस बोलते हैं. गेटो का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आई विल डिस्कस इट इन द क्वेश्चन, आई डोंट वरी. फिर एशियंस एंड अफ्रीकन्स कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द डोर्स आफ्टर 9 PM. 9 बजे के बाद जितने भी एशियंस और अफ्रीकन्स होते थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था. इन सारी चीजों को गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी समझा. एक्चुअली हुआ क्या था कि जब गांधी जी लंदन से अपनी पढ़ाई करके इंडिया वापस आए तो उनका बिजनेस जो था लॉयर का वो उतना कुछ खास चल नहीं रहा था, इसलिए वो साउथ अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला के कहने पर उनका केस लेने के लिए. ठीक है, 1893 में नेटल इंडियन कांग्रेस की शुरुआत करी गांधी जी ने. फॉर वन सेकेंड ओके, 1893 में गांधी जी ने शुरुआत की इंडियन नेटल कांग्रेस की, और ये इसका पर्पस था वेलफेयर ऑफ द इंडियंस. एक्चुअली में इसका मेन पर्पस भले दुनिया दिखा दे वेलफेयर ऑफ द इंडियंस था, बट दैट वाज एक्चुअली द बिजनेस माइंड ऑफ महात्मा गांधी. होता क्या था, नेटल इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया तो जितने भी टॉप नॉच इंडियंस थे वहां, वो कहां जाएंगे, महात्मा गांधी के पास. अगेन एट दैट टाइम ही वाज नॉट महात्मा, ही वाज जस्ट एमके गांधी. गांधी साहब के पास वो लोग जाएंगे और अपने बिजनेस को इस तरीके से उनको एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा. हुआ क्या, 1899 में बोयर वॉर्स हुए. अब सवाल उठता है ये बोयर वॉर्स क्या होता है. बोयर वॉर्स एक्चुअली इसका मीनिंग होता है डच फार्मर. हुआ क्या कि जैसे ही ब्रिटिश राज पूरी तरीके से एक्सपैंड कर रहा था, उस वक्त क्या हुआ कि डच फार्मर्स भी वहां प्रेजेंट थे. पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के हिसाब से चल रही थी क्योंकि ब्रिटिश राज था. इसी के कारण जो डच फार्मर्स थे वो उतने खुश थे नहीं. इसके चलते एक लोकल वॉरफेयर हुआ, कुछ बड़ी चीज नहीं थी. उसके बदले गांधी जी ने ऑफर करा कि हम एक मिलिटेंट ग्रुप बनाते हैं. दैट वॉज द वायलेंट फेज ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने कहा कि हम एक मिलिटेंट ग्रुप बनाते हैं और हम आप ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते हैं. एट दैट टाइम महात्मा गांधी वॉज आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिशर्स. नाउ अगेन व्हाट हैपेंड, द ब्रिटिशर्स सॉ इट एंड डिनाइड इट इवेंचुअली. उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, वी हैव आवर फोर्स, वी कैन हैंडल आवर सेल्स. देन इवेंचुअली गांधी जी ऑफर्ड द एम्बुलेंस सर्विस, दैट इज द इंडियन एम्बुलेंस कोर. इसीलिए 1902 में उनको काइजर ए हिंद का टाइटल मिला. अभी तक यहाँ पर गांधी जी जो है पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करें, अभी तक तो कुछ नहीं है ना. ओके, ना ओके, 1904 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन और फिनिक्स फार्म का की शुरुआत करी. फिनिक्स फार्म वैसे चला नहीं था, 6 से 8 महीने तक चला था, उससे ज्यादा कुछ खास को नहीं चला था. 1904 का जो समय था, जो इंडियन ओपिनियन था, वहां पे पता चलता है, वहां पे ये चीज पता चलती है कि पहली बार गांधी जी के अंदर पॉलिटिक्स करने की इच्छा जागृत हुई. कारण कि उन्होंने देखा कि वहां पे अफ्रीकन्स और इंडियंस बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे और ये गांधी जी के पास अपॉर्चुनिटी थी अपनी पोजीशन को सीमेंट करने के लिए, अपने बिजनेस को सीमेंट करने के लिए. एक अपॉर्चुनिटी भी थी और अच्छा काम भी था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं. अगेन 1906 में एक रजिस्ट्रेशन एक्ट आया. रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या हुआ कि जो भी लोग होते थे, जो अफ्रीकन्स हो गए, इंडियंस हो गए, जो भी इंडेंचर्ड लेबर थे, उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ता था. वो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को हमेशा कैरी करते थे. और होता ये था कि जब भी उनसे अथॉरिटी ये पूछती कि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ है, तो उनको वो दिखाना पड़ता था. नहीं दिखाने पर दे वर डिपोर्टेड, उनको साउथ अफ्रीका से बाहर कर दिया जाता था. अब वो लेबर क्लास के लोग हैं, फट गया, गुम गया, इसकी गारंटी तो कोई नहीं लेता था. इसीलिए पहली बार गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया. लेट मी गेट द स्लाइड.
पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया और पहली बार स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसी बीच गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 5,000 रुपए की सहायता करी फॉर हिज पॉलिटिकल मोटिव्स। अगेन 5,000 अमाउंट एट दैट टाइम 1800s में बहुत बहुत बड़ी अमाउंट थी। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या, आप कोई लॉ नहीं तोड़िएगा, आप नॉन वायलेंट रहिएगा, आपका अरेस्ट होगा और अरेस्ट होने के बाद आपकी फैमिली का क्या होगा, आपकी फैमिली फार्म में आ जाएगी जिसको आश्रम कहा जाता है, आश्रम में आ जाएगी, वहां चरखा चलाएगी, कॉटन प्रोड्यूस करेगी और फैमिली सेल्फ सस्टेन होगी। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। 1912 में मैरिज एक्ट आया। मैरिज एक्ट में क्या हुआ कि जितने भी मैरिजेस हुए साउथ अफ्रीका में एक्सेप्ट फॉर द क्रिश्चियन मेथड्स उनको नलीफाइड कर दिया गया, यानी कि जो वाइफ की स्टेटस थी उसको छीन लिया गया और जो एयर हुआ, जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसका जो प्रोजनी हुआ उसको इलीगल घोषित कर दिया गया। अगेन दिस वॉज एन इशू। गांधी टुक द अपॉर्चुनिटी एंड ही डिड द फर्स्ट सत्याग्रह। इनके पॉलिटिकल टूल्स इसीलिए फेमस है क्योंकि गांधी वॉज ब्रिलियंट इन नेचर। ही वॉज एबल टू स्टार्ट एंड कंट्रोल द प्रोसेस एंड ही वॉज सक्सेसफुल टू। आप इंडिया में देखें, आप लीडर्स को देखें, सारे मूवमेंट स्टार्ट तो कर देते हैं पर उसका एंड नहीं कर पाते, उसको आगे बढ़ा नहीं पाते या उनके हाथ से चला जाता है, दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह में डिफरेंस क्या है। पैसिव, ये जो स्टेटमेंट है ये गांधी जी ने खुद दिया था, आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी में, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो पैसिव रेजिस्टेंस है वो अरबिंदो घोष ने दिया था। सत्याग्रह गांधी का कॉन्सेप्ट है। पैसिव रेजिस्टेंस थोड़ा मोड़ा वायलेंस अलाउ करता है कि आपके सामने कोई पुलिस ऑफिसर है तो उसको एक घूसा दे दिया, ऐसा ही कुछ। सत्याग्रह नो वायलेंस एट ऑल। पैसिव रेजिस्टेंस में आप लॉ को ब्रेक कर सकते हैं लेकिन सत्याग्रह में आप बिल्कुल भी लॉ ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इवेंचुअली आपको पैसिव रेजिस्टेंस में ट्रूथ के अडेयर नहीं रहना है, आपको सच्चाई का साथ देना या नहीं देना वो आपके ऊपर है, लेकिन सत्याग्रह में सत्य और आग्रह, सत्याग्रह में आपको हमेशा सच का साथ देना है। अब यहां तक फेस खत्म होता है गांधी जी का साउथ अफ्रीका में। क्यों खत्म हुआ, हुआ क्या कि 1913 में जो 1912 का मैरिज एक्ट आया उसको रिपील कर दिया गया गांधी के मूवमेंट के चलते, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, एक पैक्ट साइन हुआ, टू बी फेयर एक पैक्ट साइन हुआ जिसमें ये कहा गया कि गांधी जी को साउथ अफ्रीका छोड़ना होगा, आपको जो भी एक्टिविटीज करनी है आप अपने देश भारत में करिए, आपको साउथ अफ्रीका में रहने की कोई जरूरत नहीं। अगेन द फर्स्ट मेजर अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वॉज इन द ओपनिंग ऑफ BHU इन द ईयर 1960। ठीक है, अब गांधी जी मास पॉलिटिक्स में आ चुके थे। गांधी जी को मास पॉलिटिक्स में आने के लिए काफी लोगों ने कहा पर गांधी जी ने कहा कि भैया रुको, एक साल हम करेंगे भारत का दौरा, उसके बाद देखेंगे कि चीजें क्या है क्या नहीं है भारत में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो गांधी जी का सबसे बड़ा, सबसे पहला, टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहला उनका जो कोर्स ऑफ एक्शन था वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जहां पे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस करा राजकुमार शुक्ला के आग्रह करने पर, देन अगेन इन अहमदाबाद इन 1918, देन अगेन इन खेड़ा 1918। आई वॉन्ट गो इन द डिटेल ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, पर बात ये थी कि वाई इन द खेड़ा सत्याग्रह, वाई गांधी इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सॉरी, वाई गांधी जी चोज टू बी अगेंस्ट अ मर्चेंट। कारण ये था कि अनुसुईया बेन के जो भाई थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो दरअसल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो दैट वॉज अ ब्रिलियंट मूव एंड दैट वॉज अ कनिंग मूव बाय गांधी कि हम उसी चीज को कंट्रोल करेंगे जो मेरे कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि दोस्त है वो तो बात सुनेगा ही। ऐसे ऐसे चीजों को करके गांधीयन टूल्स आगे बढ़ रहे थे। गांधीयन टूल्स क्या था, नॉन वायलेंस, पिकेटिंग, प्रोटेस्ट,
हंगर स्ट्राइक एटसेट्रा, आपको कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप जाकर के बैठ जाना है, आपको मूत व्यक्ति के तरह सब कुछ देखना है, आपको बस देखना है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप भूखे रह सकते हैं, बस और कुछ नहीं। अभी तक चलिए अब देखते हैं कांग्रेस का क्या हाल था। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो ओल्ड गार्ड्स थे कांग्रेस में, जैसे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नेहरू जी, इनका देहांत हो चुका था और कांग्रेस के बाद कोई मास लीडरशिप प्रेजेंट नहीं थी जो मास को मासेस को कंट्रोल कर सके। एट दैट टाइम गांधी एमर्ज एज अ बून फॉर इट, जो पैन इंडिया लेवल पे कुछ कर सके। एट द सेम टाइम विश्व में वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था और उस समय डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एक्टिवेटेड था। वर्ल्ड वॉर वन के एंड होने के बाद डिफेंस वर्ल्ड वॉर वन के एंड होने के बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी एक्सपायर हो गया। देन एक सेडिशन कमेटी की घोषणा हुई जिसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। इसका नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी टेररिज्म एक्ट। इसमें क्या था, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी इसकी, कि किसी को भी विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता था और इस पे कोई कुछ नहीं कह सकता था। इसके बदले गांधी जी ने क्या किया, ही अनाउंस हड़ताल ऑन 6th of April। ही डिड सत्याग्रह अगेन, द टूल्स वर सिमिलर, दैट इज द पिकेटिंग, हंगर स्ट्राइक एटसेट्रा, बींग मूट एटसेट्रा। At 9th and 10th April, what happened? Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu were arrested. Similarly, हुआ क्या कि बैसाखी मेला चल रहा था, लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, मैक्सिमम को नहीं पता था कि क्या कर्फ्यू लगा हुआ है कि क्या है, तब तक जनरल डायर वहां आया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना हुई, जनरल डायर ने लोगों को मारा। अनडिस्क्रिमिनेटेड फायरिंग हुई जिसमें बच्चे, औरतें, सारे लोग मारे गए। देन वॉट हैपेंड ऑन द क्रिटिसिज्म ऑफ जालियांवाला बाग, ऑन 13th April दिस नॉन कोऑपरेशन मोमेंट वॉज क्लोज्ड। अगेन हंटर कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। हंटर कमीशन में 7 मेंबर्स थे जिसमें से 3 इंडियंस थे। अब हंटर कमीशन के रिपोर्ट्स को देखते हैं, हंटर कमीशन ने कहा क्या। हंटर कमीशन का यह कहना था, एक सेकेंड, हंटर कमीशन का यह कहना था कि ये जो घटना हुई है इसके जिम्मेदार हैं गांधी। यूनैनिमसली ऑब्वियसली दे क्रिटिसाइज डायर फॉर व्हाट ही डिड, पर इन्होंने सारा कुछ गांधी के ऊपर ब्लेम डाल दिया। गांधी ने क्या किया, उनको कैजर ए हिंद का टाइटल मिला था विच ही गेव अप इन द प्रोटेस्ट। सिमिलरली रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड। नाउ एनसीएम एंड खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1919 एंड 1922, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन। हुआ क्या, होम उस समय क्या चल रहा था, उस समय होम रूल लीग चल रही थी एनी बेसेंट और तिलक का। एनी बेसेंट शांत हो गई थी मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स के चलते क्योंकि इंडियंस को पार्टिसिपेशन मिल रहा था। उसी समय एक बॉम्ब फूटा, बॉम्ब का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब समझते हैं कि ये है क्या। आई नीड अ पेन, पेन चल जाना चाहिए, बिल्कुल पेन चल रहा है। I'll need a slide. Empty slide. Would do. Yes. अब देखिए लंदन में क्या है, लंदन में है मोनार्क गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया SOS, ठीक है, और SOS की एक काउंसिल है
काउंसिल ऑफ इंडिया जिसमें 15 मेंबर्स की काउंसिल है, ठीक है। इंडिया में भी सिमिलर चीज है, इंडिया इंडिया वायसराय, एक वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और वायसराय की एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सिमिलरली प्रोविंशियल लेवल पे यानी स्टेट लेवल पे एक गवर्नर है, गवर्नर की भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और गवर्नर की एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये चीजें हैं। अब क्या हुआ, डायर्की का इंट्रोडक्शन हुआ। डायर्की क्या होता है ये समझते हैं। डायर्की इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। होता क्या है, अब आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, एक सेकंड प्लीज। अब आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे अगर ध्यान देते हैं तो है कि इंडिया है सबसे पहले, तो उस इंडिया के नीचे है वायसराय, वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है। फिर आते हैं गवर्नर, गवर्नर के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक पीएलसी है यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। अब क्या हुआ कि सेंट्रल लिस्ट को तो वैसे ही छोड़ दिया गया, सेंट्रल लेवल पे जो भी चीज है उसको वैसे ही छोड़ दिया गया, जैसे है भैया रहने दो, उस पर हम कुछ नहीं कर रहे। प्रोविंशियल जैसे अभी 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। उस समय कंकरेंट लिस्ट नहीं था, स्टेट लिस्ट था और सेंट्रल लिस्ट था। अगेन व्हाट हैपेंड कि गवर्नर जो है, गवर्नर के पास जो लिस्ट है उसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। पहला हिस्सा था रिजर्व लिस्ट और दूसरा हिस्सा था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व लिस्ट क्या हुआ, रिजर्व लिस्ट गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास आ गई और ट्रांसफर्ड लिस्ट एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास चली गई जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। कहने का मतलब ये है कि आपके राज्य में विधानसभा होती है, विधानसभा में एक सरकार चुन के आती है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आया, अगेन आई विल टेक इन द क्वेश्चन आंसर सेशन, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। यहां तक आई होप इट्स क्लियर। अगेन इलेक्टेड गवर्नमेंट विल डिसाइड द मैटर्स ऑफ द ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में क्या था, डिफेंस, डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फिनेंस, दैट इज DCEF, दैट वॉज द पॉइंट। नाउ 1922 और 1924 में डायर्की के आने के बाद पहली बार इलेक्शंस हुए। सेंटर स्टेट सेंटर लेवल पे क्या कर दिया गया, बाइकैमरलिज्म कर दिया गया। वीटो पावर जो थी वो वायसराय के पास रह गई। बाइकैमरलिज्म कहने का मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है वैसे ही एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट कहने का मतलब है कि मुस्लिम्स को एक अलग रिजर्व कैटेगरी दे दी गई कि आपका वोटिंग वहां होगा, वहां जो भी चीजें हैं आप अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। अगेन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर की स्थापना हुई जो आज भी है। यही चीज INC को चाहिए थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पे कहीं स्वराज की बात नहीं। अब लोग कहते हैं स्वराज का मतलब इंडिपेंडेंस, नो इट डजंट मीन इंडिपेंडेंस। स्वराज मींस डोमिनियन स्टेटस, लेकर रहेंगे स्वराज जो नारा था, इसका मतलब गांधी जी क्या है। हेलो हेलो प्लीज कैरी ऑन। ओके ओके थैंक यू सर। स्वराज अभी तक नहीं मिला था। अब देखते हैं खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था। वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है। I am coming here. माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, खिलाफत इशू आया। खिलाफत इशू क्या था समझते हैं। जो खलीफा था, एक
प्रोटेक्टर ऑफ इस्लामिक रिलीजन कहा जाता है, जैसे हमारे पास आदि शंकराचार्य होते हैं, पोप होते हैं क्रिश्चियनिटी में, वैसे ही खलीफा होते हैं। ओटोमन टर्क एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर वन वॉज इन सपोर्ट ऑफ जर्मनी। अगेन द विक्टर्स राइट द हिस्ट्री। हुआ क्या, जैसे ही हारे तो ब्रिटिशर्स ने ये प्रॉमिस किया था मुस्लिम्स को कि कैलिफ की पावर नहीं हटाई जाएगी, लेकिन हुआ क्या, जस्ट उसका उल्टा। इन्होंने क्या किया, खलीफा को हटा दिया और उनको यूरोप में कहीं एग्जाइल में भेज दिया। कैसे, 1920 के ट्रीटी ऑफ सेवरस के बाद से। और कैलिफ का टाइटल शिफ्ट हो गया यूएई में 1920 में, यूएई के पास। खलीफा एंड एनसीएम का मिलन कैसे हुआ, 1919 से इस्लामिक कैंपेन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहे थे नवंबर 1919 से, जिसमें ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। सिमिलर प्रोसेस था, कुछ अलग नहीं था, सिमिलर चीजें, पिकेटिंग, प्रोसेशन, हंगर स्ट्राइक, सेम चीजें, कोई अंतर नहीं, वही जो गांधी के टूल्स थे। एक दुखद घटना घट गई। दुखद घटना ये हुई कि 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया। तिलक वॉज हार्ड कोर राइट विंगर, ही नेवर सपोर्टेड गांधी। अगेन गांधी सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी। व्हाट ही डिड ऑन 1st अगस्त 1920, ही डिक्लेयर्ड दैट एनसीएम, दैट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, शुड बी ऑन ऑल इंडिया लेवल। और उसके लिए उन्होंने तिलक स्वराज फंड का की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट था कि 1 करोड़ रुपए 1 CR को इकट्ठा किया जाए। अगेन 1 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट, फ्यू हिस्टोरियन से कि हुआ था, हिंदू हिस्टोरियन से नहीं हुआ था, आई वोंट ड्वेल इन इट। देन अगेन सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया गया। वहीं जो मेन सेशन हुआ, एनुअल सेशन नागपुर, जिसमें प्रेसिडेंट थे वी राघवाचारी, ये चीज एक्सेप्ट हो गई। अगेन कुछ कुछ बेसिक बातें जो नागपुर सेशन में हुई थी, सबसे पहले तो कि कांग्रेस अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेगा, एक 15 मेंबर की कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनेगी, एक प्रोविंशियल लेवल पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनेगी जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनेगी, ये सारी चीजें चलेंगी। ऐसा गांधी जी का जो होल्ड था वो अब कांग्रेस पर मजबूत होता जा रहा था। कारण ये था कि सीआर दास और एससी बोस फेल हो चुके थे अगेंस्ट गांधी, और ओल्ड गार्ड जैसे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले अब थे नहीं। ऐसे ही अब क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तभी एक मास्टर स्ट्रोक हो गया टर्की में। टर्की में आए कमाल पाशा, जिनको अतातुर्क भी कहा जाता है। कमाल पाशा ने क्या किया कि उन्होंने कम्प्लीटली सिस्टम को हटा दिया और डेमोक्रेसी को लाया और एक सेक्युलर स्टेट बनाया टर्की को। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि खिलाफत इशू मुस्लिम्स के तरफ से पूरी तरीके से खत्म, हिंदू और बुद्धिस्ट जैन और सिख को लिया जाए। तो बायकॉट और रेजिग्नेशन के लिए महात्मा गांधी ने उनको कहा था, पर सवाल ये है कि आप कितने दिन तक बिना जॉब के रहिएगा, आपको अपना घर भी संभालना है, ये सस्टेनेबल मेथड नहीं था। इसीलिए ये सारी चीजें इवेंचुअली फेल कर गई। ब्रिटिशर्स का यही था कि जब आपका खिलाफत का मैटर ही नहीं है तो आप फिर क्यों फालतू में हंगामा खड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही खिलाफत इशू का अंत हो गया। अब एंटर करते हैं फ्रॉम 1922 to 1928। अब क्या हुआ कि कांग्रेस दो हिस्से में डिवाइड हो गई। पहला हिस्सा था स्वराजिस्ट का और दूसरा हिस्सा था नो चेंजेस का। स्वराजिस्ट में आते थे ओल्ड गार्ड, सी आर दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, और नो चेंजेस में आते थे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी। स्वराजिस्ट का कहना था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम काउंसिल में एंट्री करेंगे और वहां से नॉन कोऑपरेशन करेंगे।
वहीं नो चेंजेस का कहना था कि नहीं हम कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, विलेज टू विलेज जाएंगे, लाइब्रेरीज बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, खादी को प्रमोट करेंगे और ऐसे ही चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अगेन कांग्रेस को एक सूरज स्प्लिट 1907 जैसा नहीं चाहिए था। दिसंबर एनुअल सेशन जो कांग्रेस का हुआ दिसंबर 1922 में, जिसमें प्रेसिडेंट थे सियास, उनका प्रपोजल था कि हम काउंसिल एंट्री करें, लेकिन ये प्रपोजल फेल हो गया जिसके चलते सीआर दास रिजाइन कर दिए और उनकी एक पार्टी बनी जिसका नाम था ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी। अगेन बेलगांव सेशन ऑफ 1924, गांधी प्रेसिडेंट थे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया लॉन्च कर दिया गया। अब नेक्स्ट फेज इज द टाइम ऑफ 1928। स्लाइड्स काफी बड़ी हैं, ये देखिए स्वराजिस्ट नो चेंजेस, स्लाइड्स आर टू बिग, 383 स्लाइड्स, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ईच एंड एवरीथिंग। अगेन क्या हुआ, 1928 में साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन वेंट टू लाहौर और उस टाइम क्या हुआ कि लाला लाजपत राय को लाठी पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय सॉन्डर्स मर्डर हुआ, लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई। इन ऑर्डर टू गेन अटेंशन और गार्नर अटेंशन दे थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। 23 मार्च को क्या हुआ, 1931 में इन सभी को फांसी दे दी गई। अगेन नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द एमर्जेंस ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को आना था एक्चुअली 1929 में, पर वो आया 1928 में। कारण ये था कि ब्रिटेन में इलेक्शंस थे एंड विंस्टन चर्चिल, आई डोंट लाइक विंस्टन चर्चिल एट ऑल, जान रहा था कि कुछ गेम हो सकता है, इसीलिए वो पहले ही साइमन कमीशन को भेज दिया इंडिया में। साइमन कमीशन अगेन केम टू इंडिया, मैटर आप सबको पता है, इतना बड़ा बवाल इसलिए कटा क्योंकि साइमन कमीशन में कोई इंडियन मेंबर था नहीं। इसका कारण था कोई इंडियन मेंबर नहीं था, कारण ये था कि साइमन कमीशन एक बॉडी थी जो कि पार्लियामेंट्री बॉडी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो इंडियन मेंबर्स हो नहीं सकते, तो कहां से उसमें इंडियन मेंबर्स आए, कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन क्योंकि जनता को इतना कुछ पता था नहीं, तो इस मूवमेंट को बढ़ा दिया गया तो ये बातें बहुत ज्यादा फैल गई और फैलने के कारण एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। अगेन हो क्या रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉवल हो गया, गांधी जी तुरंत, सवाल ये था कि गांधी जी तुरंत बंद क्यों हो गए, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन जैसा आप पीछे देखे, खिलाफत मूवमेंट कंप्लीटली फेल हो चुका था। अब चलते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के तरफ, दैट इज इन द पीरियड ऑफ 1924 टू 1925। इसके फाउंडर थे रामप्रसाद बिस्मिल, ही वाज अगेन अ क्रिटिसाइजर ऑफ महात्मा गांधी, क्रिटिसाइज गांधी एक्शंस इन द 1922 गया सेशन। इनका ऑब्जेक्टिव था कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाया जाए विथ आर्म्ड रेवोल्यूशन। ये लोग करते क्या थे, इन लोग की कुछ खास स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये लोग करते क्या थे कि सबसे पहले जो भी आर्मरी है जहां पर वेपन्स रखे हैं उसको लूटो, उसको लूटने के बाद जो भी आर्म्स मिले उससे एक रेवोल्यूशन करो और ब्रिटिशर्स को भगा दो। ये हीरोइज्म मतलब लिमिटेड था, कारण ये था कि ये लोग थे बहुत यंग, 19-20 साल के थे और इनको पता नहीं था कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं कैसे नहीं बढ़ती। फॉर द सिंपल रीजन इज इवेंचुअली ब्रिटिशर्स इनको टॉलरेट नहीं करते थे और इनको जेल में डाल दिया जाता था या फिर इनको हैंग कर दिया जाता था। अगेन ये पूरा मूवमेंट फेल हो गया जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का मूवमेंट था। भगत सिंह व्हेन जॉइंड इट वॉज कन्वर्टेड इन टू HSRA, that is Hindustan Socialist Republican Army. सब कुछ चीजें सही चल रही थी ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग।
अब क्या सूझा कांग्रेस को, चलो भैया बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? लॉर्ड बर्किन हेड थे, उन्होंने चैलेंज करा 1928 में कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, ऐसा बनाइए कि सारे जो भी सेक्शंस है उनको एक्सेप्टेबल हो ये चीज। अगेन कांग्रेस टुक इट एज अ चैलेंज। फरवरी 1928 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई बॉम्बे में, एक कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के ऊपर जिसके मेंबर थे मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को इसीलिए रखा गया था क्योंकि ही वॉज एन ICS ऑफिसर, उन्होंने रिजाइन करा था और उनकी रैंक थी ऑल ओवर इंडिया 4। एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें साइन करना था कि आप किसी भी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते। अगेन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई अगस्त 1928 में कैलकटा में भी, उसमें नेहरू रिपोर्ट के प्रोविजंस आए। नेहरू रिपोर्ट के प्रोविजंस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। नेहरू रिपोर्ट के प्रोविजंस, डोमिनियन स्टेटस पहली चीज जिसकी बात चल रही थी, अगेन फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, भाषा के आधार पर प्रोविंस का फॉर्मेशन, भाषा के आधार पर प्रोविंसेस का फॉर्मेशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सभी को वोट देने का अधिकार, 19 फंडामेंटल राइट, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया था पर एक जॉइंट इलेक्टोरेट दिया गया था जिसमें रिजर्वेशन मिलना था मुस्लिम्स को जहां वो माइनॉरिटी में थे। अगेन दिसंबर 1929 लाहौर कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने और ये बात हुई कि अगर ब्रिटिशर्स एक साल के अंदर डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हैं, स्वराज नहीं देते हैं, तो कांग्रेस का अल्टीमेट गोल हो जाएगा पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये 31 दिसंबर 1929 को ये बात हुई और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया। अब सवाल ये है कि ये जो डेट है 26 जनवरी 1930 से, काफी लोग मेरे से पूछे ये कहाँ से आया, कुछ नहीं आया, ज्योतिष जनगणना थी, ज्योतिष को बुलाया गया था, उसी के थ्रू ये सारा डेट हुई थी, कोई सिग्निफिकेंस नहीं था इसका। कांग्रेस गेव राइट्स टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट टू गांधी। अगेन गांधी के 11 पॉइंट्स थे जो उन्होंने वायसराय इरविन को भेजे एंड इरविन इवेंचुअली रिजेक्टेड इट। रिजेक्ट करने का कारण था, कारण ये था कि सबसे पहले तो उसमें पुलिस रिफॉर्म्स की मांग थी और कहा गया था कि जो सीआईडी है वो इंक्वायरी करे। अगेन सीआईडी अगर इंक्वायरी करती तो जालियांवाला बाग मसाकर के टाइम तो सबसे बड़ा डंडा वायसराय इरविन पर ही पड़ता, तो कौन सा ऐसा अधिकारी चाहेगा कि उसके ऊपर पहला डंडा पड़े, कोई नहीं चाहेगा। अगेन गांधी जी डिमांडेड कि भगत सिंह को छोड़ा जाए। जी हाँ, ही डिमांडेड कि भगत सिंह को छोड़ा जाए, पर इरविन सेड कि कोई मर्सी पिटीशन साइन नहीं हुई, कुछ साइन नहीं हुआ, तो हम उनको नहीं छोड़ सकते, आई एम सॉरी। इवेंचुअली ही डाइड। नाउ अक्टूबर 1929, इरविन डिक्लेयर्ड दैट साइमन कमीशन रिपोर्ट इज टू बी डिस्कस्ड इन वाया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1929 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में दिल्ली मैनिफेस्टो आया। सवाल ये था कि हाउ डोमिनियन स्टेटस विल बी इम्प्लीमेंटेड। ये जो डोमिनियन स्टेटस है ये आएगा तो चलिए ठीक है, लेकिन आएगा कैसे? डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इनका कहना था कि नहीं भैया, हमको चाहिए कंप्लीट आजादी, हम नहीं रहेंगे ब्रिटिशर्स के अंदर। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की इसीलिए इन्होंने स्थापना की 1927 में विद इन कांग्रेस, ये लोग कांग्रेस के बाहर नहीं गए, और अल्टीमेट गोल था पूर्ण स्वराज। हिंदू महासभा का क्या कहना था? हिंदू महासभा का कहना था कि ये जो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हो ये भी मत दो, क्यों दे रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। सिख का कहना था कि हमको तो कोई पूछा ही नहीं, हमारी कोई बात ही नहीं हो रही, तो सारे लोग दुखी थे, कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था, कोई कुछ करने को तैयार नहीं था। अगेन जिन्ना वेंट एंड गेव हिज 14 पॉइंट्स। सबसे पहले कहा कि
सेपरेट इलेक्टोरेट दो, रेसिडुअरी पावर इज विद द सेंटर, द सेंटर इज स्ट्रॉन्ग। देखिए सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ क्या है ये चीज। जिन्ना का कहना था कि जो रेसिडुअरी पावर है वो सेंटर से हटा करके प्रोविंसेस को दे दी जाए, यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में कि मोदी जी की जितनी ताकत है वो उठा करके आप अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया कीजिए। इससे क्या होगा कि एक वीक सेंटर बनेगा और स्ट्रांग फेडरल इंडिया की स्थापना होगी। इसके खिलाफ थे सब लोग। उसी समय 1930 के वक्त सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने बताया कि हम 1930 का चालू कर रहे हैं अपना रेवोल्यूशन। एक और इन्फॉर्मेशन, सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने हिस्सा लिया था लेकिन कोई बात नहीं बनी इस चीज। अगेन नाउ वी विल गो टू मूव टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड टुवर्ड्स क्विट इंडिया। अगेन क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को धीरे धीरे करके समझते हैं। सेंट्रल लेवल पे क्या हुआ, ये पेन से समझाना होगा। सेंट्रल लेवल पे क्या हुआ, ये सेंटर, होप इट्स विजिबल, वॉयसराय और गवर्नर जनरल, ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये अपर हाउस और ये लोअर हाउस। देन अगेन प्रोविंसेस में भी सेम चीज, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अपर हाउस और लोअर हाउस, ऑल इंडिया फेडरल गवर्नमेंट, डायरकी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए पहले के एक्ट में हम लोग क्या समझे थे कि डायरकी आप प्रोविंसेस लेवल पे ले रहे हैं, इस बार क्या हुआ था कि डायरकी को सेंट्रल लेवल पे देना था, नो डायरकी इन द प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस को टोटल इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई थी। ये था बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसमें कुछ खास वैसा था नहीं। अगेन 1936-37 के इलेक्शंस हुए। अब यहाँ से ओरिजिन होता है पाकिस्तान का। हुआ क्या कि 36 और 37 के इलेक्शंस में 6 प्रोविंसेस में कांग्रेस विजय हुई, जिसमें मेजर थे बंगाल और असम। INC लार्जेस्ट पार्टी थी और मुस्लिम लीग सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। जिन्ना साहब गए कांग्रेस के पास, कहा कि भैया देखो जीत तो गए हो तुम, ऐसा करो मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, अच्छे से काम करेंगे। गांधी जी ने बोला ना, नहीं होगा। दैट वॉज द मोमेंट व्हेन द एक्सट्रीम कम्युनल एस्पेक्ट ऑफ जिन्ना वॉज शोड टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड। जिन्ना क्या थे, जिन्ना वॉज अ लिबरल, अ ग्रेट पर्सनैलिटी, पर जिन्ना पोर्क खाते थे, 3 टाइम नहाते थे, कोई बात नहीं मानते थे इस्लाम की। लेकिन तब से 1937 से दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन व्हेन जिन्ना सेड कि एनफ इज एनफ, हम अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। इसलिए लाहौर सेशन का, जो मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हुआ, कांग्रेस का नहीं, मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई, और 1931 कराची सेशन में पाकिस्तान के नाम को सीमेंट कर दिया गया। अब चलते हैं 1935 टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, दैट इज द लास्ट फेज। अक्टूबर 1940 में क्या हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स को इसीलिए भेजा गया कि ही वॉज द क्लासमेट ऑफ नेहरू एंड फ्रेंड ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। सर ये क्रिप्स मिशन आया 1942 मार्च और जुलाई के बीच। क्रिप्स मिशन के आने का बैकग्राउंड समझते हैं। क्रिप्स मिशन इसीलिए आया था कि 1939 में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। 1941 में वो एस्केप कर गए। उनका अल्टीमेट गोल था किसी तरह रशिया पहुंचना, पर 1942 में रशिया पहुंचते पहुंचते USSR ने अपना कोर्स चेंज कर दिया था एंड इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द एलाइड फोर्सेस। दैट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। 1942 में सिंगापुर पहुंचे सुभाष चंद्र बोस,
इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना की, मोहन सिंह से मिले, कैप्टन मोहन सिंह से, निरंजन गिल से मिले, आईएनए की स्थापना की और एक झांसी रेजिमेंट भी फॉर्म किया जिसकी लीडर थी लक्ष्मी सहगल। ऐसे ही में सुभाष चंद्र बोस और जापानीज आर्मी का डर था कि ये इम्फाल तक पहुंचेंगे और फासिस्ट फोर्सेस इंडिया में एंटर करेंगी, जिसके चलते इंडियंस का सपोर्ट होना बहुत जरूरी था। क्रिप्स मिशन जो मार्च जुलाई 1942 में आया उसपे ऑब्जेक्टिव था टू कन्विंस इंडियन लीडर्स टू सपोर्ट ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स। डील क्या थी? सबसे पहले कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे जिसमें सिर्फ इंडियंस होंगे, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स आर डिफरेंट, दे विल डिसाइड टू ज्वाइन पार्लियामेंट और डू इंडिविजुअल डील। अगेन ब्रिटिश प्रोविंसेस में ब्रिटेन का कंट्रोल रहेगा और दैट वॉज द ब्लू प्रिंट ऑफ पार्टीशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात तो थी नहीं। अगेन क्या हुआ, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबैटन और लॉर्ड बर्बन, लॉर्ड माउंटबैटन वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, नॉट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, उस समय का साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जुलाई 1942 में क्या हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा कि टाइम राइप है एक मास स्ट्रगल करने के लिए। पटेल नेहरू का कहना था कि हम कि किसी भी तरीके का प्रेशर ब्रिटिशर्स के ऊपर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन गांधी इसके अगेंस्ट थे। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ग्वालियर टैंक में अगस्त 1942 में क्विट इंडिया को गांधी जी ने खुद क्विट इंडिया को आगे बढ़ाया और डू और डाई का नारा दिया। ठीक है, एक्टिविटीज क्या हुई थी, उषा मेहता, कांग्रेस रेडियो, जेपी नारायण थे गुरेला वॉरफेयर के, पैरेलल गवर्नमेंट थी। सी पैरेलल गवर्नमेंट में ब्रिटिश ने कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाया, कारण ये था कि पैरेलल गवर्नमेंट वॉज वेरी शांत काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट और ये एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे थे, दैट्स वाई दे हैड नो इश्यूज विद द पैरेलल गवर्नमेंट। अब आते हैं सी राजागोपालाचारी फॉर्मूला के ऊपर। What was C. Rajagopalachari formula? में गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के टॉक्स हुए। बात क्या हुई, सी राजागोपालाचारि का क्या कहना था, मुस्लिम लीग और आईएनसी मिलके एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाए, मुस्लिम लीग के लिए एक रेफरेंडम हो पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, एक फेडरल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो विथ मिनिमम पावर्स टू द सेंटर, प्रोविंशियल ग्रुप एंड टोटल इंटरनल ऑटोनॉमी। अगेन अगर वर्ल्ड का बैकग्राउंड देखा जाए तो इन द ईयर 1945 अप्रैल 30 को हिटलर कमिटेड सुसाइड एंड अगस्त 9 1945 जापान सरेंडर, तो बोस की तो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। अब इंडिपेंडेंस क्लियर था इंडिया के लिए कि इंडिपेंडेंस तो आना ही है, लेकिन सवाल ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या, क्योंकि कांग्रेस वॉज अक्यूज कि दे आर हैविंग द पीपल ओनली फ्रॉम अपर वर्णा एंड अपर क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और दैट इज डोमिनेटिंग एंड दे डोंट हैव एनी एलिमेंट्स ऑफ दलित, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिक्स, दैट वॉज द प्रॉब्लम इन इट। इवेंचुअली वॉर एंडेड। अब क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको कन्वर्ट करना था दोबारा नॉर्मल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुकी थी आपके वॉर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, वायसराय, वेट अ सेकंड प्लीज। इसीलिए शिमला कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया, ये लॉर्ड बेवल का प्लान था। शिमला कॉन्फ्रेंस भी बुरी तरीके से फेल हो गया 1946 में, चर्चिल लॉस द इलेक्शंस और लेबर गवर्नमेंट आ गई क्लेमेंट एटली की। तो क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, आराम से समझते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के तीन मेंबर्स थे, सर स्टेफर्ड फिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर,
ये इसका भी टाइम पीरियड सेम था, मार्च जुलाई 1946, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। कहना ये था, एक सेकेंड, सी राजगोपाल सर, सी राजगोपाल ही सर, दिस इज द स्पेस। कहना ये था कि तीन ग्रुप्स बनेंगे, ए बी सी। ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस रहेंगे बिलो इंडियन रेंज, बी में हिंदू मुस्लिम प्रोविंसेस रहेंगे और सी में भी हिंदू और मुस्लिम प्रोविंसेस रहेंगे। क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा और डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं मस्ट बी इन, पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड सिचुएशन वॉज देयर। कहने का मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे और ब्रिटिश प्रोविंसेस थे सबको इसमें पार्टिसिपेट करना था ए बी सी में, दैट वाज मैंडेटरी कंपलसरी, आप फॉरगो नहीं कर सकते। अब का क्या कहा गया कि इनको सेक्शन वाइज बैठाया जाएगा। कहने का मतलब सिंपल तौर से समझिए कि सबसे पहले ग्रुप ए बैठेगा, फिर ग्रुप बी बैठेगा जैसे क्लास में होता है, फिर ग्रुप सी बैठेगा और इस पर चर्चा होगी। होगा क्या, एक सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, यानी दो कॉन्स्टिट्यूशन बने, टू कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और प्रोविंस ये था कि 10 साल के बाद इसका रिवीजन होगा और किसी को भी हटना होगा तो इसे हट सकते हैं। अभी तक क्या था कि जो मुस्लिम लीग थी इससे खुश नहीं थी, जिन्ना को ये दिखाना था कि ही इज द बॉस, ही इज अंडर कंट्रोल, दैट्स व्हाई ही लॉन्च्ड ऑन 16 अगस्त 1947 द डायरेक्ट एक्शन प्लान। किया क्या कि बंगाल में राज था सुहरावर्दी, ठीक है। सुहरावर्दी वाज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। ही सेड कि शाम में जो जुम्मे की नमाज होती है, आप क्या करना कि जो लोग वहां आएंगे उनको हिंसा भड़काने के लिए कहना, और इवेंचुअली क्या होगा कि जब हिंसा भड़केगी तो आप अपनी पुलिस फोर्सेस को अंदर रखिएगा, पुलिस फोर्सेस को बाहर मत आने दीजिएगा, ठीक है। अगर पुलिस फोर्सेस बाहर नहीं आए तो सिचुएशन को कंट्रोल कोई करेगा नहीं, ये साजिश नहीं होगी। और जैसे ही मुस्लिम्स की एट्रोसिटी हिंदू पर होगी, हिंदू महासभा इसका जवाब देगी और हिंदू भी सेम करेंगे मुस्लिम्स के साथ, यानी एक राइट सिचुएशन हो जाएगी और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ पटेल एंड नेहरू। यही हुआ, करीबन 200,000 लोगों की जान गई बट एक्चुअल नंबर वॉज 1,000,000। अगेन अब क्या, सबसे पहला प्लान दिया गया बाल्कनाइजेशन प्लान इन 1947, जिसके पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, नेहरू ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। अब पार्टीशन प्लान एक्सेप्ट हो चुका था, मोहम्मद अली जिन्ना जीत चुके थे। सी मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ वेरी श्रूट पॉलिटिशियन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितने लोग मरे कितने नहीं पड़े, उसके पास पैसा था वो खुश था, बस दैट वॉज द थिंग। ही वॉन्टेड टू बी द सुप्रीम लीडर ऑफ अ नेशन एंड he was about to achieve it. Again, partition plan acceptable था सारी parties को, India और Pakistan का formation होना था, एक constituent assembly बनती India और Pakistan की, जिसमें से 389 members होते, बाद में 90 members चले गए Pakistan की तरफ। पंजाब बंगाल and सिंध में एक referendum kind of चीज हुई, ठीक है। NWFP और सिलहेट जोन में भी रेफरेंडम हुआ, पार्टीशन हुआ, एक रेडक्लिफ कमीशन का फॉर्मेशन हुआ और इवेंचुअली एक लाइन खींची गई। रेडक्लिफ इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ही डिवाइडेड एंटायर इंडिया इनटू थ्री पार्ट्स बाय ओनली सिटिंग इन शिमला, क्योंकि वो कभी ग्राउंड पर नहीं गया क्योंकि उसको गर्मी लगती थी। And he was responsible for the murder and rape of thousands of women and children. And murder of men too.
सब कुछ अच्छा था, लेकिन यहाँ पर कहीं भी किसी भी एंगल से जो है नेशनलिज्म नहीं था किसी के अंदर। सारे अपने रोटियां सेकने में थे सारे लोग, और इवेंचुअली क्या हुआ कि चीज जो है अब ब्रिटिशर्स के हाथ से निकल रही थी एंड ब्रिटिशर्स वांटेड टू गेट आउट ऑफ इट एनी हाउ दे वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि सवाल बस इंडिया का नहीं था, सवाल था 120 नेशंस का। क्योंकि अगर इंडिया में सिविल वॉर हुआ तो 120 कंट्रीज में भी सिविल वॉर होने के चांसेस है, और ये ठीकरा फूटेगा ब्रिटेन के ऊपर, और उनके पास पैसे अभी है नहीं क्योंकि वॉर एफर्ट्स में सारे पैसे जा चुके हैं। अगेन व्हाट हैपेंड, ब्रिटिशर्स गेव अ डेडलाइन कि 1948 तक हम आपको 1.5 साल का समय देते हैं, आप ये इंडिपेंडेंस लो और हम यहाँ से चले। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि ऑन 15th August 1947 Eventually, we got independence and Britishers left. Mountbatten रह गए क्योंकि वो इंडिया के गवर्नर जनरल बने रह गए, and that was the story of the independence of India. Now, any questions still here so far? Anything? नहीं, आपका भाषण हर्षी बहुत ही सुंदर रहा, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं मैं कहूंगा, मतलब आपने न्यूट्रल एक पत्रकार की तरह सारे तथ्यपूर्ण बातें रखी और सारी सही हैं और सच हैं, लेकिन जो इसमें हिडन एजेंडा था कि ये जो अभी मेरी आई एम कन्फेसिंग मेरी अधपकी इंफॉर्मेशन है, गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने कैप्टिव बना लिया था, तो उसके बारे में क्या आपका विचार है, नंबर वन। नंबर टू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों सौतेले भाई थे, इस पर आपका क्या राय है? थैंक यू। एक मिनट सर। सर, जिन्ना एंड नेहरू वर ग्रेट फ्रेंड्स, और इवन जिन्ना एंड गांधी वर ग्रेट फ्रेंड्स, काठियावाड़ी गुजराती थे दोनों, और सौतेले भाई जैसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसके बारे में। और फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, गांधी वाज केप्ट कैप्टिव ऑफ द ब्रिटिशर्स। सी, गांधी जी इज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, but he was never a captive. He was a shrewd politician. He was never against the Britishers. He never wanted Britishers to leave the country. The reason is कि अगर भारत से चले जाते Britishers, तो जो अपर वर्णा अपर क्लास हिंदू है वो सीमेंट कर लेता अपने पोजिशन को और इंडिया वही चला जाता back in the 1800s. That was the question. I hope it is clear. Thank you. Thank you. Thank you. Now I am satisfied. और एक सुभाष चंद्र बोस ये स्क्रीन से कैसे गायब हो गए? सर, सुभाष चंद्र बोस सर वॉज नेवर वैनिश्ड। His plane crashed in the year 1945 and the documents of his funeral are also present. और एक गुमनामी बाबा का नाम दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सुभाष चंद्र बोस was a martyr and we must respect him. Thank you sir. अच्छा, कुछ ऐसा सुनने भी आया कि सुभाष चंद्र बोस को हिंदू corrupted politicians ने information देके arrest करवा दिया and he was brutally murdered. ये एक कर्नल का कहा गया है कि उसने प्लास्टिक का मुंह में ठूस ठूस के दम घोट के मार दिया उनको, सुभाष चंद्र बोस को। और प्लेन क्रैश का एक तो नया ये खड़ा करके झूठा वो करके वो कर दिया। तो जो कश्मीर के गवर्नर बने थे, क्या नाम है, बहुत एग्रेसिव है, उन्होंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस को बड़ी बुरी तरह से ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था। एंड वन इंडियन पॉलिटिशियन, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बहुत मतलब क्लियर कट और बहुत साफ सुथरा आदमी थे,
और उनको मतलब पॉलिटिकल मर्डर किया गया था। इस संबंध में जैसे अभी आपने कहा कि सिंपली वो ये कर दिए गए, मतलब प्लेन क्रैश में मारे गए, फ्यूनरल का भी मिला, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा बख्शी 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 उनका नाम है, वो बख्शी ने कहा और बड़ी गुस्सा में थे कि सुभाष चंद्र बोस के अस्तित्व को दबा दिया नेहरू और बाकी लोगों ने। तो नेहरू ने भी सुभाष चंद्र बोस को बचाने का प्रयास नहीं किया और सुभाष चंद्र बोस अपने मिशन में आगे बढ़ते रहे और पता नहीं इंडियन में तो पैसा लेके कुछ भी कर देते हैं लोग, बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं, बड़ा बड़ा वो लेते हैं और फिर भी उनको पैसे की लालच रहती है और पैसे के लालच में इतने बड़े नेता को, हमारे आदर्श नेता को ब्रूटली मर्डर करा दिया। इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? हर्ष जी, मैं अमिताभ जी के बात को सप्लीमेंट कर रहा हूँ। आजाद हिंद फौज का 25 किलो सोना नेहरू जी हड़प लिए। मैं बहुत ही, मैं माफी चाह रहा हूँ, थोड़ा सा रफ मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू सर। सर एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि जो सुभाष चंद्र बोस सर का जो एक्टिविटीज थी उनकी, उनका कहना था कि हमको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाना है एनी हाउ, पर प्रॉब्लम ये था कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज बेटर देन फासिज्म। जो फासिज्म का कॉन्सेप्ट है डिक्टेटरशिप का, आप ब्रिटिश के राज में हैं, आप बोल सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप अपनी बातें रख सकते हैं, आपको काउंसिल में एंट्री मिल रही है, लेकिन फासिज्म में इट वाज नॉट देयर, दैट वाज जस्ट शूट एंड गो। तो दैट वाज द एस्पेक्ट। पर रहा सवाल अबाउट द मर्डर ऑफ सर सुभाष चंद्र बोस, नो डॉक्यूमेंट हैज बीन वेरीफाइड और मेरे पास कोई इवेंचुअल डेटा नहीं है। आई हैव रेफर्ड टू मेनी बुक्स बट रेस्ट ऑफ देम आर जस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आर नेवर गुड सर। विद्यानाथ झा जी आप क्या बोलेंगे? विद्यानाथ झा जी हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है माइक। हाँ, ये बहुत ही एक अच्छा डिस्कोर्स है क्योंकि हिस्ट्री के गर्भ में जो बहुत सारी बातें हैं, नागेश झा जी ने इशारा भी किया, इन दिनों काफी ये बातें आ रही हैं, इन सब का भी रिविलेशन होना जरूरी है क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये बातें छिपी नहीं रह सकती। हमारे हिस्टोरियंस को आना चाहिए, उसे उसका एविडेंस लेकर के सामने आना चाहिए, ये समय की मांग है, है ना। हम जिनको डेइफाई करते हैं, करते आए हैं, वो वास्तव में डेइफाई करने लायक नहीं है। ये सारे फैक्ट्स फिगर्स लोगों के सामने आने चाहिए। यह ठीक है उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारे घात प्रतिघात होते हैं। एक अपना इमेज बनाने के लिए लोग कहीं तक भी जाने के लिए तैयार हो जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं और बहुत अच्छे स्टाइल में आपने बहुत सारी बातों का ये किया है, रिवोल्यूशन किया है, बताया है लोगों को। बहुत सारी बातें नोन हैं, लेकिन जो अननोन फैक्ट्स हैं उनको भी सामने आना चाहिए, लोग इस पर शोध करें, यही मेरा कहना है। बहुत अच्छा। लेकिन एक बात तो आज क्लियर हो गया, इतना डाटा इकट्ठा करके और टाइम वाइज और एविडेंस के साथ प्रस्तुत करना, ये जो आज का जो वीडियो होगा हम लोग के लिए बहुमूल्य चीज होगा, क्योंकि इतना तो बड़े बड़े मैंने बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को भी नहीं मालूम है जितना हर्ष जी ने बड़ी शांति से और बड़ी अच्छा से और इतना धीरज इतने यंग आदमी में कैसे है और इतना ज्ञान को कैसे स्टोर करते हैं, ये ईश्वर का देन है। एक बार विवेकानंद जी जा रहे थे और किताब पढ़ते हुए जा रहे थे और किताब को नदी में फेंक के जा रहे थे, तो एक अंग्रेज को आश्चर्य लगा। अंग्रेज ने पूछा कि आप क्यों फेंक देते हो? तो बोला कि इसमें जो लिखा है वो मेरे दिमाग में आ गया। तो बोला अच्छा, तो बोला जैसे अब ये फेंकने जा रहा हूं तुम पूछो। तो उन्होंने बता दिया इतने नंबर पेज में, इतना नंबर पैराग्राफ में, इतना नंबर ये ऐसे लिखा हुआ है, और वो अक्षर था सच निकला। तो उस कैटेगरी के
की विद्वता में हर्ष जी में और वो सहकाल वासु में देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब और हम चाहेंगे कि अपने अपने पर्सनालिटी में अच्छी अच्छी बातें ही लाया करेंगे, तो एक दिन आप भी विवेकानंद जी की तरह और महान लोगों की तरह आप बड़े बहुत महान आदमी बनेंगे। हमको हमको पूरा विश्वास है कि मैं इन लोगों को देख रहा हूँ, अपने टैलेंट को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, और मैं निष्पक्ष बोलता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो डाटा आपने दिया है वो एकदम अविस्मरणीय है, और ये शायद हमारे सारे विद्वान भी स्वीकार करेंगे। सर एक पॉइंट सर छूट रहा था, मैं हर्ष जी को जस्ट शेयर कर रहा चाह रहा हूँ। हर्ष जी, आई रियली लव योर डेडिकेशन टू द टॉपिक टू द सब्जेक्ट। एक छोटी सी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये अनकुक्ड आज पकी बातें मैं कह रहा हूँ, इसको जरा देख लेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने खुद किसी कहीं मेंशन किया है, यदि वो आजादी नहीं देते तो उनके अंदर एक डर आ गया था, जो इंडियन जो वार में वर्ल्ड वार में काम आए थे वो सारे लोग यदि रिवोल्ट कर जाएंगे तो ब्रिटिशर्स उनसे डर गए थे, ये उनको हिंट मिल गया था। तो हमारी जो आर्मी थी जो वर्ल्ड वार में काम आई थी, उस वो भी एक कारण था, जल्दी से आजादी दो भागो। इस पर आप क्या सोचते हैं? मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये अद्भुत खबर है, थैंक यू। हाँ, ये बख्शी जनरल बख्शी ने कहा है कि जब वहां पर अंग्रेजों से पूछा गया कि भाई अभी तो तुम पावर में थे और फिर तुमने अभी तुम और भी शासन कर सकते थे, तो फिर तुमने इंडिया को आजाद क्यों कर दिया, अभी और कुछ रह सकते। बोला कि मैं इंडियन आंदोलन से घबरा कर हमने इंडिया को आजाद नहीं किया, लेकिन दुनिया में एक ही आदमी था जो हमको परेशान कर रहा था, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन, हाँ, उसने अंग्रेज ने ये बात कहा है और बख्शी ने जोर से कहा है और क्रोध में कहा है कि ऐसे बड़े महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी को ब्रूटली मार दिया गया और उसको पहचाना नहीं गया और उनके केस को दबा दिया गया, और ये अन्याय है, और अब भारत की आजादी में नेहरू और गांधी का हाथ। ये गांधी जो बोलते हैं कि देवी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमल, ये आजादी उससे नहीं मिली है, 11,000 सोल्जर्स को अंग्रेजों ने कटवा दिया, फिर उसके बाद में 31,000 सोल्जर को कटवा दिया। ये नेताजी ऐसा वीर आदमी अकेले आगे बढ़ा था और उसके बढ़ते हुए कदम को भी इन लोगों ने रोक लिया, ये सच्चाई है। जनरल बख्शी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे और हमने सुना था, मेरा खून गर्म हो गया, और वो रिकॉर्ड शायद अभी हमारे फेसबुक में है, कभी हम अपने वेब ग्रुप में भी डालेंगे। तो आजादी दिलाने वाले नेताजी और ये बड़े बड़े सेनानी और जो लोग मारे गए उन लोगों के बलिदान को भुला करके अब बोले कि हम गांधी जी की इज्जत करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं है कि गांधी जी के अहिंसावादी नीति से आजादी मिली। हमारे बहुत सारे सेनानी मारे गए, उसके खून से हमको आजादी मिली है, न कि दे जी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। और जो इसने इस गांधी को बनाया है, मैं उसका मुंह नोच लूंगा यदि उन्हें मिल जाए मेरे सामने, ऐसे बख्शी बोल रहे थे। नहीं सर, आपने जो कहा वो सच है। एक और छोटी सी बात मैं हर चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। सैकाद बासु भी आ गए हैं, सैकाद बासु आप अपना भी अनुभव बताएंगे, मैं आपको बड़ी बेचैनी से खोज रहा था। वो बात ये थी सर, मोतीलाल नेहरू वाज, आई एम सॉरी टू यूज नेगेटिव वर्ड, वेरी सेल्फिश। उन्होंने जब वो बर्दाशन हुए, उन्होंने नेहरू का हाथ गांधी के हाथ में दे दिया, कहा कि आप ही अब इस, मैं नेहरू को आपको सौंप रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब ये
मोतीलाल जी ने गांधी जी को इमोशनली ब्लैकमेल करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनवाया। मैं इसकी लंबी बात नहीं, छोटी सी बात कर रहा हूँ। ये सब चीजें हिडन है रिकॉर्ड में और ये शायद सबको नहीं मालूम होगा कि भारत का पहला आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिसको ब्रूटली मर्डर करवा दिया गया, उसमें हिंदुओं का भी हाथ था, और मतलब हिंदुस्तानियों का। तो हम हिंदुस्तानी जो है ना, वफादारी के मामले में जिसका खाते हैं उसी को हम चूड़ा मारते हैं। ये सच्चाई है, हमने अपने 70 बरस की उम्र में ये महसूस किया है। अब ये नंगा सत्य है, हमारे में ईमानदारी, हमारे में सच्चाई नहीं है। जिसको हम बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं वो आपको बेइज्जत करके छोड़ देता है, और एक एक पैसे के लिए और एक एक चीज के लिए मतलब आदमी को जलील करता है। तो हम ये बहुत अपने अनुभव, मैं ऐसे से दुष्टों से अपने को छुड़ा लेता हूँ और दूर भाग जाता हूँ। तो ये अभी भी ये परंपरा चली आ रही है, और हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले हम हिंदुस्तानी ही हैं। और जिसका क्या जरूरत था दो तरह का, दो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब, नेपाल, बर्मा, ये सब भारत का पार्ट था, सबको अलग अलग कर दिया गया, और ये सब आपस में लड़ रहे हैं हम लोग। और हम हिंदू भी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, हमारे हिंदू जितना फेवर मतलब हमारे दुश्मनों को कर रहे हैं, उतना फेवर तो शायद उनको उसके कंट्री में भी कोई नहीं करता है। और उन लोगों को यहाँ पर इतनी आजादी है, बड़ा बड़ा पोस्ट, बड़ा बड़ा ये दे दिया जाता है। तो ये भगत सिंह, नेताजी, इन लोगों का सैक्रिफाइस तो बेकार चला गया। भाभी का आई है, ठीक है, हमको आवेश आ गया, मैंने ये सब बात पढ़ी और सुनी उनकी लेक्चर को, तो हमको बहुत मतलब सीने में बहुत दर्द हुआ, और आपने आज उस घाव को खोल दिया है। हम चाहेंगे प्रसाद साहब आपके क्या राय है, प्रसाद साहब हमारे विद्वान, प्रसाद साहब, गार्जियन साहब, बताइए। अखौरी प्रसाद साहब, आपकी माइक नहीं चल रही है। मुझे एक बात कहनी है। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैंने एक बहुत ही दुर्धर स्वतंत्रता सेनानी थे डॉक्टर लक्ष्मण झा जी, वो हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, हम लोग उनके क्लोज संपर्क में रहते थे। तो एक बार हमने उनसे पूछा, क्या आपको लगता है कि 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिल जाती, क्या आप लोगों को थोड़ा भी भान था? उन्होंने कहा, कहीं से भी हम लोगों को ये भान नहीं था कि आजादी इतनी जल्दी मिल जाएगी। वो तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बन गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि अंग्रेजों को छोड़ के जाना पड़ा। आंदोलन चल रहा था, लेकिन उनके हिसाब से यही एक फैक्टर नहीं था कि अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको छोड़ करके जाना पड़ा। मैं आपके बात को सप्लीमेंट कर रहा हूँ। जब हमारे मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, तो वाशिंगटन पोस्ट में एक बहुत बड़ा आया न्यूज कि भारत को एक्चुअल आजादी 2014 में मिली है। मैं इस पर अभी नहीं बोलूंगा। थैंक यू। मैं हर्ष जी से आग्रह करूंगा, हर्ष जी से इसका थोड़ा रिसर्च करें, कहीं से आवाज आ रही है, थोड़ा सा रिसर्च किया जाए कि हुआ क्या कि जब नेताजी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आए, यद्यपि वो नहीं रहे, लेकिन आजाद हिंद फौज जो ब्रिटेन से जो जहाज सब आ रहा था, और इधर से जो जहाज जा रहा था, जो ट्रेड जो चल रहा था, उसको पूरा समुद्र में रोक दिया गया था। एंड दिस वॉज रिवील्ड, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, कैप्टन के बाद में जिस समय में ये हुआ दिया गया, वो बंगाल में आए थे गवर्नर के पास में, तो वो इशू जो है वो बहुत बड़ा बन गया।
और उनको लगा कि अब जो कमाया हुआ है वो सब भी पूरा का पूरा हाथ से, बहुत कुछ तो जा रहा था और चला गया। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये वर्चुअली कोर्ट में देखा भी जा सकता है कि समुद्र जो है वो जहाजों से भर गया और वो इंटर नहीं कर रहा था किसी भी इंडियन पोर्ट में, एंड सिचुएशन वॉज वेरी वेरी बैड। और उनको लगा कि अभी यदि इस तरह से घुमा फिरा करके, क्योंकि आपने तो अध्ययन कर लिया होगा कि ब्रिटिश की जो आदत थी, दे आर फोर्थियर फॉर देयर ओन काइंड ऑफ ग्रोथ, कि जो उसको कुकर्म करना होता है वो दिमाग में उसको है, उसका पहले वो नियम बना देता था अंडर सम लॉ ऑफ सम काइंड ऑफ थिंग अमेंडमेंट। और उसके बाद चूंकि वो लॉ बन गया, तो फिर उसको अन्याय करने का वो हक उसके पास में आ जाता था। तो जितने भी ये देखेंगे बहुत सारे जो बने इनेक्ट हुए वो पहले बना लेते थे, लॉजिकली आप उसको नहीं हरा सकते। तो ये यदि क्लियर हो जाता, गया तो एब्रप्टली, और माउंटबेटन भी भागना चाहते थे, जो जो सेक्सुअल रीजंस वगैरह आते हैं वो सब भी अंडर प्ले है, क्योंकि अभी भी वो सब चल रहा है बिटवीन द वेरियस वॉर्स। उसमें अचानक जो वहां शिप दोनों तरफ से, भारत से जो ब्रिटेन जाने वाला था और ब्रिटेन से जो भारत आने वाला था, वो 46 to 47 जब इधर बहुत सारे टर्मोइल होने लगे, तो उसके बारे में कुछ जानकारी यदि आप लाते हैं तो वो ब्रिटिश को जाने का, और यहाँ जो खिचड़ी पक रही थी कि तुम ये लो लो, माउंटबेटन ने एक दफा ये भी कहा कि यदि हमको बहुत प्रोसराइज कीजिएगा तो हमने जिससे राज लिया है, जिससे राज लिया है फॉर्मली, उसको हम दे देंगे, दैट मीन्स मुस्लिम को। अच्छा सर, ये चंद्रशेखर खान सर, आपकी बातें जो है तथ्यपूर्ण है और सच है, और माउंटबेटन भी जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, महाराजा थे, उनके लिए एक लायबिलिटी थे, तो इंटेंशनली माउंटबेटन को ब्रिटेन की सियासत से हटाने के लिए इंडिया में ठेला गया, नंबर वन। नंबर टू, आजादी मिलने के बाद भी आपको भारत होगी, अभी मैंने बहुत सारी गहराई में, अभी हमें हर्ष जी का जो भार ये है इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेड है, मैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई लव हिम, आई रेस्पेक्ट हिम, आई रेस्पेक्ट हिज डिलीवरीज, लेकिन अभी तक 2014 तक अंग्रेज, आई एम रादर ब्रिटिशर्स, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में घुसे हुए थे। मैं इस पर बहुत सारा, मैंने बहुत सारी स्टडीज की हैं, तो इसीलिए आप सच हैं सर, इसीलिए हर चीज को हम अधिक तंग नहीं करेंगे, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन यही है कि मैंने उसको संकलित नहीं किया, डॉक्यूमेंटेड नहीं किया, और अभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें शर्म आ रही है कहते हुए, इवन माउंटबेटन की वाइफ वाज प्लांटेड टू कैप्टिवेट नेहरू, नंबर टू, राजीव गांधी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी, आई एम सॉरी, मैं माफी चाह रहा हूं इस हाउस से, सोनिया गांधी ने राजीव गांधी का भी मर्डर कराया 1 अरब रुपया लेके। ये सब चीजें बहुत पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही हैं, लेकिन ये सब चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए हर्ष जी को अधिक तंग नहीं किया जाए, हर्ष जी ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है, थैंक यू। हर्ष जी को मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अन्वेषक हैं, रिसर्चर हैं, तो हम लोग जो कभी कभी कुछ चीज पढ़ लेते हैं तो शोध किया हुआ है या किसी ने अपने तरफ से किया है, एक ऑथेंटिक विद्वान से वो आएगा तो उससे दिशा मिलेगी, क्योंकि अभी जो मैं ये प्रश्न लाया हूँ, जो सिचुएशन देश में बनाए जा रहे हैं, इन्होंने जिस कालखंड को चुना है, चंद्रेश्वर खान साहब, मैं फिर नाम लेके बोल रहा हूँ,
Jagjeevan Ram was the CIA agent in the cabinet of Indira Gandhi. Indira Gandhi को मालूम था, उनकी मीटिंग में सारी खबर CIA को जाती थी. तो अपना देश KGB और CIA के बीच में हम लोग नाच रहे थे. तो इसीलिए अब हम लोग टॉपिक क्लोज करें, अब ये भाषण समाप्त करें. हरी अनंत हरी कथा अनंता. थैंक यू. हाँ बहुत अच्छा. लेकिन सर, हाँ. जो एडमिना की बात हुई, द वाइफ ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, इस पे मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं. द डॉक्यूमेंट है एडमिना की बेटी, छोटी बेटी की, लॉर्ड माउंटबेटन खुद और एडमिना खुद. तो लेटर्स कहते हैं कि देवर ओनली फ्रेंड्स एंड इवेंचुअली नेहरू डाइड ऑफ सिफिलिस, दैट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. और नेहरू साहब की जो बहन थी, उन्होंने भी कहा है कि बाय द ईयर ऑफ 1940 ही वाज इम्पोर्टेंट. तो दीज वर द थिंग्स दैट कुड रिलेट, दैट शोज दैट एडमिना वाज अ टूल. यस आई एक्सेप्ट, बट अगर उससे ज्यादा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स दैट इज नॉट सो. और चंदेश्वर सर का जो क्वेश्चन है सर, वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट आई हैव द डेटा, बट आई विल सर्च मोर ऑन इट. क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में पंडित नेहरू की मौत हार्ट अटैक से हुई है. आपने जो आज कहा वो सच है, इसीलिए मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था. आपने अच्छा जो क्लैरिफाई कर दिया, थैंक यू. एक्चुअली हुआ क्या कि वो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज था वो उनके पूरे बॉडी में फैल गया और तब उनको हार्ट अटैक आया. रियलिटी इज दिस. एंड देन जिन्ना इतना जल्दी क्यों कर रहे थे? एक्चुअली जिन्ना वो सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, तो उनको लंग कैंसर था. उनके पास मुश्किल से एक साल का समय था, इसीलिए ही वॉज रशिंग फॉर पाकिस्तान. एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉन्स्पिरेसीज. आई नो अबाउट ऑल द कॉन्स्पिरेसीज, बट यू नो we have to mark a line at some point of time. That's the case. Thank you. Yes. I agree. Saikat Basu ji, what do you want to say? Saikat Basu, welcome. Thank you. I was today in and out a bit. I was unable to follow the entire lecture because I was driving. But whatever I have captured, I would like to congratulate Harji for a wonderful presentation and a deliberation. He has enlightened us, which is beautiful, the flow and shaping of the history. I would request him that in future, if he could make us a presentation on Netaji, that would be even, we will be extremely grateful about his contribution and other related about the mystery of his death. If he has information and stuff, if you could also make a presentation on that in the future, we'll be very, very grateful. Once again, my heartiest congratulations to Harshji for a wonderful presentation. Whatever I was able to capture was very, very nice. Thank you. Okay, Harshji Saab, there is a request from another scholar, Mr. Saikat Basu, that you should speak on नेताजी. सो हम लोग नेताजी पर बहुत सुनना चाहेंगे, और उन्होंने जितना किया उसका रिटर्न बेचारे को बहुत कम मिला, और बड़ी बुरी तरह से हमारे नमक हराम लोगों ने इसे भुला दिया. नीलिमा कदम फ्रॉम दिस पुणे, यू वांट टू से समथिंग? नीलिमा कदम, आप कुछ बोलेंगी? नीलिमा से, नीलिमा अभी हमसे पुणे में पढ़ी थी. नीलिमा से, वेरी डायनामिक लेडी. नो सर, बोला. आई एम ग्लैड टू लिसन द सेशन. वेरी एक्सीलेंट सेशन. कल का भी, हां यस्टरडे वाज आल्सो, हां यस्टरडे दैट वाज आल्सो डिस्कशन वाज वेरी फ्रूटफुल. और ये दोनों रिकॉर्डिंग जो है ना, हम लोग को प्रिजर्व करने लायक है. आज का डाटा जो इन्होंने दिया, और बुद्धिज्म के बारे में जो साकेत जी आपके बारे में बता दें कि आपका डिमांड बहुत आ रहा है, लोग बहुत आपको पसंद कर रहे हैं और आपको सुनना चाहते हैं दोबारा. तो और ये भाविका मोजा, अनदर यंग स्कॉलर, आप क्या बोलना चाहेंगी भाविका? नमस्कार सबको.
मैं हर्ष जी को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जो हम भी कभी इतना सीक्वेंस में नहीं ढूंढ सकते थे। तो इन्होंने इतना अच्छा स्टडी किया हिस्ट्री पे कि हम, मैं चाहती हूँ कि यह प्रेजेंटेशन मतलब अगर फॉरवर्ड कर सकते हैं व्हाट्सएप में तो ज़रूर कीजिएगा और हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे और हम भी इसके बारे में रिसर्च करेंगे। बाकी जो भी आपने बताया और बहुत ही अच्छे से आपने बताया था हिस्ट्री के बारे में, मैं बस यही चाहती हूँ कि जो लोग जो जिनके नाम आज उतने अच्छे से जिनको नहीं उतना अच्छे से याद किया जाता है, मैं चाहती हूँ कि उनके लिए और हर एक के लिए इमोशन बने और गांधी जी और नेहरू के अलावा जो लोग असल में जिन्होंने इन जो लोगों की कॉज के लिए जान दी, जो लोगों की कॉज के लिए वॉयलेंस का साथ दिया या फिर प्रोटेस्ट का साथ दिया, जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ों को नॉर्मल किया, उन लोगों का भी नाम हिस्ट्री में बहुत अच्छे से लेना चाहिए, उनके भी दिन याद रखने चाहिए। तो यही मैं बोलूँगी बस, और तो कुछ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही हम भी चाहते हैं और हमारी ग्रुप भी चाहती है। हमारे ग्रुप पॉजिटिव लोगों का ग्रुप है और उन लोगों के सेक्रीफाइस को भी हमें याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और अभी भी जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके पैर पे कुल्हाड़ी मारने वालों को बहिष्कार करना चाहिए और अच्छे करने वालों को आगे बढ़ने का चांस देना चाहिए। और पार्थो विश्वास, पार्थो विश्वास, एक्चुअली यू आर राइट, यस सर, यस, थैंक यू। हाँ पार्थो विश्वास, नमस्कार सर, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ सर नमस्कार, मैं पार्थ विश्वास बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के इस शाम को सर आज का लिंक आपसे हमको मिला आपके ग्रुप में। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि ग्रुप में ज्वाइन करें या ना करें, क्या रहेगा कैसा रहेगा, बट हर्ष जी का एक छोटा सा क्लिप मैं ग्रुप में देखा जो पहला मेरा इंटरेस्ट को जगाया। और उसके बाद जब मैं ग्रुप में, एक्चुअली मैं ट्रेवल कर रहा था, बट मैं जब सुन रहा था मुझे लग रहा था कि हम कोई डिस्कशन नहीं, जस्ट एक कहानी हमको बताया जा रहा था एकदम शुरू से लेकर स्टेप बाय स्टेप। और बचपन में मेरा दादी नानी हमको कहानी सुनाया करती थी, तो वो जो याद था मेरा ताजा हो गया पूरा। और हिस्ट्री से मैं एक्चुअली डर के भागते रहता हूँ हमेशा, मैं बचपन से हिस्ट्री में थोड़ा डरपोक था, बट हमको लगा कि अगर हर्ष जी जैसा पहले हमको कोई मिल जाता हो सकता है हम भी हिस्ट्री को लेके आगे बढ़ने का सोचते। तो थैंक यू हर्ष जी, आपने इतना शानदार प्रेजेंटेशन दिया इतना शानदार तरीके से। और एक्चुअली मुझे ना पूरा सुनने का मौका नहीं मिला, मैं थोड़ा ट्रेवल कर रहा था, तो अगर इसका रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मैं जरूर पूरा रिकॉर्डिंग को सुनने का प्रयास करूंगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे रिकॉर्डर विनय शुक्ला जी बहुत एक्टिव हैं, एक घंटे बाद ही आपके, एक घंटे के आधा घंटा बाद वेबिनार ग्रुप में वो भेज देंगे। कल का भी रिकॉर्डिंग आ गया है, हमने वेबिनार ग्रुप में डाल दिया है और ये आधे घंटे या 15-20 मिनट के बाद में हमारे डायनामिक विनय शुक्ला जी अभी हमारे साथ है लखनऊ से और तुरंत इसको भेज देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको तो हम भी प्रिजर्व करके रखेंगे, आज का और कल का इतना सुंदर डिस्कशन हुआ, इसको हम लोग हमेशा प्रिजर्व करके रखेंगे। एकदम सर, एकदम, और आगे भी जब भी सर ऐसा डिस्कशन रहेगा मैं जरूर उसका पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। अच्छा, आपको बता दें कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना और बैठ के बकवास करते हैं, इधर उधर की दुनिया की बात करते हैं, आलोचना करते हैं, उससे हम लोग के सत्संग को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, हमारे यहाँ 420 आदमी एकदम आदर्श पुरुष लोग हैं और एक से एक बड़े स्कॉलर हैं। ये 24 बरस के हर खाली और ये विवेकानंद की तरह, हम इनका नाम तो विवेकानंद भी रखना चाहते हैं, ये इसकी तरह और सईकात बाशु, ये सब, ये भाविका, ये सब ऐसे ऐसे स्कॉलर हम लोग को मिले हुए हैं। और इसको जो मिस करता है, ये देखिए अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिला करती, अपॉर्चुनिटी का जो जब मिलता है, ईश्वर की कृपा बरस रही है, तो उसका भरपूर आनंद ले लीजिए और अपने ज्ञान को पढ़ाइए। मैं बताता हूँ क्लास में भी, ज्ञान की दुनिया में ज्ञान के आधार पे बढ़ना है तो ज्ञान के क्वांटिटी को बढ़ाइए, तो हम लोग उसको बढ़ाते हैं और इससे हमारे वेबिनार ग्रुप से भी लोगों को बहुत लाभ हो रहा है और बहुत लोग बहुत जल्दी जल्दी इसमें जुड़ना चाह रहे हैं।
अच्छा उमेश जोशी साहब, हाँ भाभी का सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो जैसे इन्होंने हिस्ट्री के बारे में इतना अच्छे से बताया, इतना हेल्पफुल रहा हमारे लिए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल के जो स्कूल के टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें क्या इतना एक्यूरेट, मतलब इतना अच्छे से सीक्वेंस में सब कुछ बताया जाता है, या फिर बहुत चीजें मतलब हिडन रह जाती है, या फिर बहुत चीजें हिडन रह जाती है, मॉडिफाई रह जाती है, बहुत चीजें हिडन रह जाती है। अभी का आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, रोमिला थापर और विपिन चंद्र पाली जो ये लोग थे, जो आई एम सॉरी ये लोग प्रो जो कांग्रेस गवर्नमेंट थे, इनको इंग्लैंड बुलाया गया, इंग्लैंड में इन लोगों को ब्रेन वॉश किया गया, तब इन लोगों ने एनसीईआरटी की हिस्ट्री की गलत बुक लिखी और हमारे जो इंडियन रूलर्स थे उनको उनको नहीं एक्सपोज किया गया, और केवल मुगल्स को ही एक्सपोज किया गया, आई एम सॉरी केवल मुस्लिम्स को ही एक्सपोज किया गया, ये सच है। अब तक ये सिद्ध हो चुका है, अभी जो हमारे प्रधान जी हैं एचआरडी मिनिस्टर, इस पर एनसीईआरटी के बुक में मॉडिफिकेशन सब हो रही है, और होपफुली ये मैं थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूँ, भगवान भी अपने देश को हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जो ब्ला ब्ला लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो अभी वो अपने हाशिए पर स्वतः धीरे धीरे चले जा रहे हैं, जो लोग गंदे लोग हैं, जो विदेशों का पैसा खाकर अभी भी आज भी अपने देश में बहुत सारे सपोर्टर हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, मैं अपने फ्रेंड सर्किल में देखता हूँ, अपने ज्वाइंट फैमिली में देखता हूँ, उन लोगों की आंख खोलने के लिए उन लोगों में गहराई नहीं है, तो भाविका इसीलिए जैसा चल रहा है, आई एम अगेन एम्फसाइजिंग गॉड इज इन ऑफ रिस्ट रूल करेंगे, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। थैंक यू। Yes sir, really a nice answer. Yes sir, it should happen. Like Indian education को change होना ही होगा, ये तो है। हमारे एक scholar है उमेश जोशी जी भी हैं, जोशी साहब आपका क्या view है? हाँ धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, और आज का जो हर्ष जी ने हमें lecture दिया history पर 1857 से 1947 तक का, तो आपके भाषण ने भारत के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर को बहुत ही स्पष्ट और समझने योग्य ढंग से प्रस्तुत किया, तो मैं समझता हूँ ये जो आपकी भाषण है आज का हिस्ट्री पर, ये जो आईएएस पीसीएस और अन्य सेवाओं के लिए लोग लड़के लड़कियां तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा उपयोगी होगा, उनको प्रश्न के उत्तर लिखने में, और जो जानकारी आपने दी वो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से दी, और आपके भाषण में जो है बहुत ही विस्तृत ढंग से परिणामों का भी विश्लेषण किया गया जो बहुत उपयोगी है। आपने महात्मा गांधी की भूमिका और उनके अहिंसा के दर्शन को बहुत प्रभावशाली ढंग से उजागर किया। आपके भाषण ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को जिस ढंग से प्रस्तुत किया वो जितने अच्छे एक प्रोफेशनल ढंग से आपने पीपीटीज बनाए, और इतने कम एज के आप हैं लेकिन जिस प्रोफेशनल ढंग से आपने प्रस्तुत किया आप, मैं समझता हूँ कि बहुत ऊपर जाएंगे, और आपके ज्ञान और विश्लेषण ने भारत के इतिहास को समझने में मेरी भी बहुत मदद की, और आपके भाषण के लिए हार्दिक धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, और अमिताभ जी को कहूँगा कि हर्ष जी हैं, साकेत जी हैं, भाविका जी हैं, नीलिमा जी हैं, जो हमारे नए स्पीकर्स आ रहे हैं, इनको मौका दें, और हर्ष जी को जो 1947 के बाद आज तक की हिस्ट्री है इस पर भी ये इस तरह का अगर पीपीटी बना लेंगे और बहुत ही इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि उसमें कंट्रोवर्सी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो अपना लिखना ही है, तो मेरे टच में बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, ये वीडियो मैं उनको भी दूंगा, और अमिताभ जी से मेरा अनुरोध है
ये जो हमारे स्तंभ हैं, जैसे नागेश जी हैं, चंद्रेश्वर खान साहब हैं, एम प्रसाद साहब हैं, दिलीप सिन्हा साहब हैं, राजमोहन जी हैं, तो ये राममोहन जी हैं, इन सबको भी कहें कि सर अपने विचार ऐसे मौके पे दें, तो जिसमें आप जो हर्ष जी एक एक यंग जनरेशन के जो विचार हैं, जो यंग जनरेशन ज्ञान अर्जित करती है, उसको प्रस्तुत करती है, उसमें उनके विचारों को भी हम ऐड कर देंगे, तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए डॉक्यूमेंट भी तैयार हो जाएगा। और आप अमिताभ जी, आप तो मास्टर ट्रेनर है भारत सरकार के, बीओपीटी में आपका बड़ा योगदान है, भारत बिहार के ट्रेनिंग में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो ये जितने भी आपके टच में ग्रुप हैं, जैसे नेशनल ट्रेनर्स का है तो कम से कम 600-700 भारत के ट्रेनर्स हैं, उसमें भी ये रिकॉर्डिंग आप डालिए, तो वो लोग भी इस प्रकार का जो ज्ञान हर्ष जी ने दिया, साकेत जी ने दिया, उनको भी लाभ होगा। और बहुत दिन से हमारे विद्यानाथ झा साहब का भी भाषण नहीं हुआ है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि विज्ञान के विषयों पर, विशेष तौर पे वनस्पति शास्त्र, इकोलॉजी, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इस पे भी वो उनसे भी भाषण कराइए। अंत में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हर्ष जी आज आपका भाषण बहुत ही उपयोगी है, और मैं समझता हूँ आपने काफी तैयारी से की होगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। थैंक यू। अगले सप्ताह विद्यानाथ झा जी बोल रहे हैं, उन्होंने अपना पीपीटी तैयार कर लिया है। प्रसाद साहब, आपका क्या कमेंट है इसमें? प्रसाद साहब, बहुत बहुत बधाई हर्ष जी को, बहुत सुंदर व्याख्यान रहा, बहुत ही सुंदर व्याख्यान रहा, और लोगों की जो सलाह है कि एक बार फिर उसको, खास करके सुभाष चंद्र बोस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर भी अगर वो इससे व्याख्यान दे तो बड़ा सुंदर रहेगा। वैसे आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर रहा, मेरी शुभकामनाओं के साथ साथ आपको बधाई। बहुत अच्छा, और हम हर्ष जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि नेताजी पर और कुछ रिसर्च करके उन पर एक प्रोग्राम हर्ष जी नेताजी पर भी करवाएं, कि किस तरह से जो दबाई गई कहानी है उसको उभारा जाए और सच्चाई को सामने आना चाहिए। हम अब अपने चंद्रेश्वर खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। चंद्रेश्वर खान साहब, अपनी अमृत बानी अब हमसे सब ये इसका समापन करें। चंद्रेश्वर खान साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आभार व्यक्त करें कम है, लेकिन जैसा कि हम सबों का विचार है कि भारत को जानना, पहचानना और भारत के लिए जो पहले जो गलत काम किए गए हैं, तो जरूर कहीं हम अनजान तरीके से या जानते हुए चुप रहने के कारण, क्योंकि दुनिया को खतरा बुरों की बुराई के कारण नहीं, अच्छों की दुर्बलता के कारण, घने अंधकार के कारण रात नहीं होती है, सूरज के निस्तेज होने के कारण रात होती है। तो ऐसे प्रखर व्यक्ति जब पैदा होते हैं तो मां सत्य का उद्घोष, सत्य को लोगों तक ले जाना, उससे क्या होगा कि हमारी एकजुटता जो है बढ़ेगी, क्योंकि अंग्रेज ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है कि डिवाइड एंड रूल, ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि शासन करने के लिए आपको डिवीजन, सब डिवीजन ये सब करना पड़ता है, लेकिन इस मैनेजमेंट के रूल को लेकर के लोगों को विभक्त करके उसने भारत पर शासन बहुत अच्छी तरह से कर दिया। यहाँ के श्रेष्ठतम विद्वानों को लेकर, और उन विद्वानों ने उन लोगों को कभी नहीं आने दिया
जो इनके भाषण से बड़ा परिलक्षित हुआ, जो आम लोग जो होते हैं उनकी बुद्धिमत्ता भी कम नहीं होती। बड़े प्रखर लोग होते हैं लेकिन अवसर के अभाव में या कई दफा हीनता की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। और जो तेज है, तेज का हम सम्मान करें, तेज को हम सुने समझें और ऐसे ओजस्वी नौजवानों को ये किसी के साथ नहीं, सब के साथ कि हम किसी के प्रो नहीं है। I am pro to the pro कि ये लग रहा है पहले ये गलतियां हुई हैं, अभी भी कुछ गलतियां हो रही हैं और आगे कैसे हम बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भारत के लिए बड़ा अच्छा मोड़ आ गया और भारत को एकजुट रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चारों तरफ से जिस तरह से वातावरण बनाए जा रहे हैं वो यदि इतिहास को भी हम समझेंगे कि कैसे तोड़ फोड़ करके कभी वो कमीशन बैठाया कभी वो कमीशन बैठाया, ये सब सब गेम्स थे, गेम की पुष्टि गेम द रूलर्स ने, रूल करने वाले लोग क्या क्या खेल खेलते हैं, उन खेलों को समझना बड़ा जरूरी होता है, चाहे वो खेल किसी के द्वारा किया जा रहा हो लेकिन अंत में उस खेल से घाटा होता है तो और देश का विकास नहीं होगा तो आम लोगों का विकास नहीं होगा, अवसर नहीं आएंगे तो आम लोगों को घाटा होगा। आपने बहुत अद्भुत तरीके से जिस तरह से सत्य का आपने संकलन किया और अपने आप अपने विचारों को आपने तथ्यों के आधार पर उसका प्रस्तुतिकरण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पक्ष समझना हम लोगों को बड़ा जरूरी है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है, पहले कुछ अच्छी चीजें भी पढ़ाई जाती थी उन चीजों को भी फिर बीच में निकाल दिया गया था, तो किन चीजों के प्रवेश कराने से अब मैं अपना आपसे आग्रह कर रहा हूं कि बच्चों का जो माइंडसेट तैयार होता है, क्योंकि आप इसको हमसे अधिक जानते हैं और आप तर्क भी कर लीजिएगा कि 5 वर्ष की अवस्था तक जो हम सीखते हैं, जो हमारी चिंतन धारा होती है वो एक बड़ा बेस तैयार करता है, वो इन द मेकिंग एंड शेपिंग एंड ट्रीटिंग ऑफ मैनकाइंड। तो उस समय में क्या क्या इनपुट जाए कि भारत अपने विकास को खोजेगा, यहाँ का यदि विकास होगा तो लोगों का विकास होगा, लोगों का विकास मतलब भारत का विकास, तो इस तरफ जो हम लोग मुड़ पड़े हैं और आप हुए, नागेश जी हुए, सब जो जो इन चीजों को करते हैं, सैकत जी हुए, कई दफा गूगल में भी गलत फीड किया जा चुका है तो वो क्रॉस चेक आप जैसे लोग कर सकते हैं और उस तथ्यानुवेशन को लाते हुए विद्यानाम जी है, ये ग्रुप बड़ा अनोखा है और तब यदि ऐसे शोध को हम लोग किसी प्रतिशोध के लिए नहीं, शोध विकास के लिए, कई दफा शोध किए जाते हैं प्रतिशोध के लिए, तो मेरा इशारा उस तरफ नहीं है। इस अनंत यात्रा में आपने जो हम लोगों को ज्ञान दिया, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद और जीवे सरदम सतम रमिये सरदम बसंतम। और शरद में, शरद का महीना है, नवरात्रि आने वाली है, शक्ति की पूजा हम लोग करने वाले हैं और ज्ञान की शक्ति बड़ी शक्ति है, बल की शक्ति भी बड़ी शक्ति है, तो उससे हम तृप्त हों, उससे हम भरपूर हों और ये किया जा सकता है आप जैसे विद्वानों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अमिताभ जी की उदारता और उनकी चेतना
हमें हमेशा प्रभावित करता है, प्रसाद साहब का बने रहना, उमेश जी, डॉक्टर विद्यानाथ झा जी, नागेश वगैरह की चर्चा करके तमों को जोड़ करके जो अमिताभ जी ने रखा हुआ है, क्योंकि प्रसाद साहब के पास में खजाना है, तो उन चीजों को जल्दी जल्दी लेते हुए, युवाओं को देते हुए, ये बड़ा बढ़िया ग्रुप बन रहा है, जिसमें केवल हम लोग, एक बात तो है कि भले ही इस ग्रुप में जो भी है, थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, लोचार हो गया है, जैसे भी रिटायर्ड हैं, लेकिन कोई रिटायर्ड आदमी टायर्ड नहीं है, ये एक अनोखी बात है, और यदि टायर्ड नहीं है तो कोई रिटायर्ड नहीं होता है। तो ये बड़ा अच्छा टीम है जिसमें दोनों एक्सपीरियंस और विजडम मिल रहा है, और ये लगातार सिलसिला चलते रहे, और भगवान से प्रार्थना है, नवरात्रि की पूजा आने वाली है, कलश स्थापन होने वाला है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी ज्ञान की उपासना करें, उसकी स्थापना करें, और दुर्गा सप्तती भी अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा साइकोलॉजी का किताब, मैं इस पर जोर देता हूं, और आप जैसे लोगों से आह्वान करता हूं कि उसको पढ़िए। नागेश जी यहाँ हैं, शायद उनकी कुलदेवी ज्वाला जी हैं, तो कुछ फोटो जैसे नागेश आप दिखा रहे थे, ज्वाला जी का कुछ होगा तो हमको भी भेजिएगा, ये आपसे हमने पूछा नहीं है, हमको लगा जब आपने कुलदेवी का नाम लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और इतना बढ़िया चीज सुन करके, देख करके, जो आग्रह हम लोगों ने आपसे किया है उस पर आप भेज जाइए, और जब आपका मन हो, जब आप तैयार हो, तो अमिताभ जी से बातचीत कर दिया जाए, इन्हें शब्दों के साथ, इन्हें विनय के साथ, आग्रह के साथ, वास्तव में ये सत्याग्रह, कि सत्य को हम जाने, सत्य को यदि हम जानते नहीं है, सत्य अपना बनाते हैं और उसके लिए आग्रह करते हैं, तो वो बहुत बड़ा दुराग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आशीर्वाद, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और हम चाहेंगे अगले बार, अगले रविवार को डॉक्टर विद्यानाथ झा जी एनवायरमेंट पर अपना वक्तव्य तैयार किए हैं, और शनिवार को सिकंदर जी उमेश जोशी साहब के रिक्वेस्ट पर डिजास्टर पर बोलेंगे, तो अगले शनिवार को हम लोग सिकंदर जी का सुनेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट पर, और रविवार को सुनेंगे डॉक्टर विद्यानाथ झा जी को, और उसके बाद में ये दोनों विद्वानों को, हर्ष जी और साकेत जी को करूँ बुद्धिज्म पर, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर सुनना चाहेंगे, तो अपनी सहमति वो अपने तैयारी के बाद हमें दे देंगे प्लीज, और हम लोग आपके ज्ञान से इस उम्र में भी बहुत लाभ पा रहे हैं, तो भगवान आप लोगों को बहुत तरक्की दे और हमारे बुजुर्गों को लंबा उम्र दे, इसी शुभकामना के साथ अगले इतवार को मिलें, सभी को सादर नमन, खान साहब को, प्रसाद साहब पर, महेश जोशी जी को चरण स्पर्श, विद्यानाथ जी को, झा जी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, अगले रविवार को फिर हम लोग मिलेंगे नए उत्साह के साथ, और आज का भी कार्यक्रम सुपर ग्रेट हुआ, मतलब सुपर ग्रेट का हुआ, मतलब इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, और इतिहास में भी ऐसी किताब नहीं छपी होगी जिसमें हर्ष जी ने जो डाटा दिया है वो डाटा वो एकदम बार उसमें मिल जाए, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, और ईश्वर की दया की बारिश हो रही है हम लोगों पर, हम लोग उस बात का आनंद लें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, इसी के साथ सबको सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, विनय शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके,
जी ये ले।